हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप इसमें जो दो कंपोनेंट दे रहे हैं, ये एक डीसी ब्रश ईएससी है, जिसका यूज हम मोटर की फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये एक डीसी ब्रश मोटर है। अगर आपके पास कोई रिसीवर है, फॉर एग्जाम्पल कोई CT6B टाइप का कोई रिसीवर है, अगर उसके साथ आप अपनी डीसी मोटर चलाना चाहते हैं तो वो आप नहीं चला सकते। उसके लिए आपको ये जो ESC परचेज करना पड़ेगा। ये बहुत ही चीपेस्ट है लेकिन काफी दमदार है। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है, तो उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बाई चांस आपका ये खराब हो जाए तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके जो ऊपर जो कंपोनेंट है इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको सलूशन बताऊंगा, और इनके कौन कौन से अल्टरनेटिव है। अगर आपको इस तरह के जो मॉस्फेट नहीं मिल रहे तो आप इसके कौन कौन से अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो अगर वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसकी जो कुछ वायर है जो कि आपकी रिसीवर में लगेगी, ये जो आपकी बैटरी में लगेगी, ये मोटर के साथ कनेक्ट होगी, और ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। जहाँ पर भी जो ऑन ऑफ स्विच होता है इसके साथ नहीं लगाया गया, तो लेकिन इसके पास होता है जो कि इसके रिसीवर को पावर देता है। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, मेन माइक्रो कंट्रोलर ये है, अगर ये खराब हो गया तो इसको आप फिर इसका अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है और इसका कुछ नंबर भी नहीं जहाँ लिखा है। और इसमें दो ये SMD टाइप ट्रांजिस्टर है, एक जहाँ पर ये डायोड है जो कि 5.1 वोल्ट की है, जो जो कि 5 वोल्ट की आपकी डायोड है, जेनर डायोड है। और ये वाला आपका जो BJT ट्रांजिस्टर है एन टाइप, जो कि D882 टाइप का है, और इसका अल्टरनेटिव ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और ये वाला IC है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुई थी, इसका नंबर है ST7150 टाइप करके है। और ये लो ड्रॉप आउटपुट जो कि 5 वोल्ट का है, जो आपकी ये रिसीवर को जो ये माइक्रो कंट्रोलर है इसकी सप्लाई देता है, ये फिक्स सप्लाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अल्टरनेटिव आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये SMD टाइप है, और अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो ये जो इस टाइप का जो आपका IC होता है, LDO, जो कि 5 वोल्ट है, इसके साथ इजीली कंपेटेबल है, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट देता है, और ये सेम 7805 के टाइप का है। तो इन कंपोनेंट को तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं और ये मार्केट से भी मिल जाएंगे। अगर इन दो ट्रांजिस्टर की बात करूं जो कि एन टाइप है या फिर पी टाइप हो सकते हैं, लेकिन जहां पर एन टाइप है जो कि S8050 टाइप के ट्रांजिस्टर है, जो कि इन दो जो आपके ये मॉस्फेट है इनको जो रन करने के लिए काम आते हैं, तो ये तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर ये खराब हो जाते हैं तो मेन पंगा जो हमारा जहां पर रहता है इन सब मॉस्फेट का रहता है। ये वाले जो जहां पर इस साइड है जो पी चैनल है, और इस साइड है जो एन चैनल मॉस्फेट है, एक तरह का ये एच ब्रिज सर्किट बनता है जो कि आपकी मोटर की डायरेक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स करता है। जो गाइस, जहां पर आपको मैं बता दूं, अगर जो पी चैनल के जहां पर ये लिखे हैं तो ये AD403 टाइप के जहाँ पर मॉस्फेट है, और जो एन चैनल है मॉस्फेट ये जहाँ पर जो आपका लगा है इस नंबर के कहते हैं LF8826। अगर इन दोनों में से कोई भी आपके SMD जो मॉस्फेट है खराब हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं जहाँ पर जो आपको बता दूं कि इन सब के लिए आपको कौन सा जहाँ पर मॉस्फेट चेंज करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर एन चैनल जो मॉस्फेट है उसका आपको अल्टरनेटिव जो PC के मदरबोर्ड होते हैं
जो कि M3004D टाइप के होते हैं। ये बहुत ही इसके साथ कंफर्टेबल है। मैंने खुद से इसको रिपेयर किया है और इसकी जगह पर इसको यहाँ पर लगाया है, और साथ साथ इसमें जो एफिशिएंसी है वो लगभग 30 एम्पेयर तक की बढ़ चुकी है। पहले जो 20 एम्पेयर का था, लेकिन अब ये 30 एम्पेयर तक का हो गया है, जिसका बेनिफिट है। और इसकी जगह आप कोई सा भी अगर मार्केट से पी चैनल जो मॉस्फेट लेते हैं, तो उसके साथ ये इजीली कंफर्टेबल रहेगा। तो बात इस जहाँ पर ये बनती है, तो उनकी जो स्पेसिफिकेशन है 3 बोर्ड से लेकर 30 एम्पेयर से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं, और इन रजिस्टर का आपको इजीली जहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। और कुछ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ यही है, ये कैपेसिटर दिए गए हैं SMD, 2 ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर, एक LDO है, और एक यहाँ पर 4 MOSFET है जो कि H ब्रिज का यहाँ पर निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो को साथ समझ आ चुका होगा कि आपको इसको कैसे चेंज करना है। और अगर आपको इस तरह का कंपोनेंट ना अवेलेबल हो, तो आप इजीली जो हमारा ये वाला, इसके साथ जा सकते हैं। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है आपको मार्केट में इजीली जो मिल जाएगा, ये भी इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और कोशिश करें, अगर इस तरह का ना मिले, तो आप जहाँ पर BC547 का जो भी आपका ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, तो जहाँ पर आपको इसकी पिन आउट है उसका जरूर ध्यान रखना, जैसे कि बेस, कलेक्टर, इमिटर, इस तरह का जरूर ध्यान रखना है। और इसकी पिन का भी जो ध्यान रखना है, जो कि ग्राउंड, गेट, ड्रेन और सोर्स, इस तरह की पिन होती है, इसका जरूर ध्यान रखें। और मैंने आपको इसका अल्टरनेटिव बता दिया, जो कि ये वाला आपको पुराने PC के किसी भी मदरबोर्ड से मिल जाएगा, उससे आप निकाल कर इजिली जहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो भी ये वाला जो ब्रश या से का मोटर ड्राइवर है, इसको इजीली यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इजीली जहाँ पर समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर कोई डाउट रह गया है, तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।